और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो मैं आपसे पहले यही कहूंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर को करने से पहले आप पीएनपी ट्रांजिस्टर वाली वीडियो को जरूर देख लें ताकि इसे समझने में आपको काफी हद तक आसानी हो। इसे हम इसलिए जल्दी क्रॉस करेंगे क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर पे हमने काफी टाइम लिया था। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे कहते हैं, ऐसी युक्ति जिसे दो एन टाइप प्रतिचालकों के बीच में पतला एन पी टाइप प्रतिचालक जोड़कर बनाया जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो ऐसी युक्ति जिसे दो एन टाइप प्रतिचालकों के मध्य एक पतला पी टाइप प्रतिचालक जोड़कर बनाया जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, पहला उत्सर्जक, दूसरा आधार और तीसरा संग्राहक। तेजी का कारण यह है कि जो एनपीएनपी ट्रांजिस्टर में पूरा हमने क्लियर कर दिया है, तो आप उसे देख लेंगे तो आप भी जल्दी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए इसे जल्दी क्लियर कर रहे हैं वीडियो को। तो फिर आता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। तो ये है आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। प्रतीक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। एक बात और आती है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये पूछ लिया जाता है कि धारा की दिशा किधर से किस तरफ होती है, तो आप बोल देंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा आधार से संग्राह की ओर होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा आधार से संग्राह की ओर होती है। इसके बाद में आएंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि की ओर। तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को बनाने के बाद आप बोलेंगे यह है एन टाइप प्रतिचालक, यह है पी टाइप प्रतिचालक, यह है एन टाइप प्रतिचालक। ये एन टाइप प्रतिचालक आधार से जुड़ा संग्राह उत्सर्जक से जुड़ा हुआ है और ये आपका पी टाइप प्रतिचालक आधार से जुड़ा हुआ है, ये आपका एन टाइप प्रतिचालक संग्राहक से जुड़ा हुआ है, जैसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलेंगे इसको देखिए हम बैटरी के माइनस वेव से और इसको प्लस वेव से जोड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक तथा आधार को अग्रविनत क्रम में जोड़ते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक तथा आधार को अग्रविनत क्रम में जोड़ते हैं। अग्रविनत क्रम का मतलब होता है पी टाइप प्रतिचालक को प्लस से और एन टाइप प्रतिचालक को माइनस से जोड़ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसके उत्सर्जक तथा आधार को अग्रविनत क्रम में जोड़ते हैं तथा संग्राहक व आधार को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। उत्सर्जक और आधार को अग्रविनत क्रम में, संग्राहक और आधार को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। तो आप इसके बाद थ्योरी लिखेंगे कि इसमें हम एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसके उत्सर्जक तथा आधार को अग्रविनत क्रम में जोड़ते हैं तथा संग्राहक व आधार को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। तो आपका लिखेंगे उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की या संग्राहक, ये उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन आपके पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं या आधार की ओर जाने लगते हैं। देखिए ये है आपका उत्सर्जक से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी आपका ये जो आधार है इसकी ओर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस आवेश है और यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा तो ये आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आपके एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण यहां पर क्या होता है कि माइनस आते हैं ये प्लस है तो वैद्युत उदासीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और आधार और संग्राह आपके उत्सर्जक के बीच में परिपथ पूरा हो जाता है। तो आप थ्योरी लिखेंगे कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसके उत्सर्जक तथा आधार को अग्रविनत क्रम में जोड़ते हैं तथा संग्राहक व आधार को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, परंतु आधार बहुत पतला होने के कारण सिर्फ 2% इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत उदासीन हो पाते हैं। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके आधार की ओर यानी कि पी टाइप प्रतिचालक की ओर, तो यहां पर यह बहुत पतला होता है जिसकी वजह से 2% इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत उदासीन हो पाते हैं, जिसकी वजह से उत्सर्जक और आधार के मध्य परिपथ पूरा हो जाता है और वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आप लिखेंगे शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंचते हैं और बैटरी के धन आवेश से मिलकर शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंचते हैं और बैटरी के धन आवेश से
उदासीन बैटरी के धन आवेश से मिलकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण संग्राहक और आधार में परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक तथा आधार को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं, संग्राहक तथा आधार को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, परंतु आधार बहुत पतला होने के कारण सिर्फ 2% इलेक्ट्रॉन ही, वहां पर क्वार्टर था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2% इलेक्ट्रॉन ही विद्युत उदासीन हो पाते हैं, जिससे आपके उत्सर्जक और आधार के मध्य परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। इसके बाद में शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुंचते हैं, जो कि बैटरी के धन आवेश से मिलकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच में परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। देखिए, संग्राहक में प्रवाहित विद्युत धारा को संग्राहक धारा कहते हैं, संग्राहक में प्रवाहित धारा को संग्राहक धारा कहते हैं, आधार में प्रवाहित धारा को आधार धारा कहते हैं, और आपका उत्सर्जक में प्रवाहित धारा को उत्सर्जक धारा कहते हैं। इसे आईई से, आईबी से और आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम यह कहता है कि आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। तो यहां पर क्या है, किरचॉफ का नियम यह कहता है कि IE ये आने वाली धारा, ये जाने वाली धारा, और ये दोनों धारा कैसी हैं, इन दोनों का मान के बराबर होगा। तो इन दोनों का मान इस धारा के बराबर होगा। तो ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर।